एक बीघा में जो आप प्रोडक्शन बता रहे हैं और जो 10 से 15 रुपए का एवरेज भाव बता रहे हैं उसके हिसाब से किसान साथी लाख से 1.5 लाख रुपए कच्ची बीघा के हिसाब से ककड़ी का उत्पादन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। जानते हैं उनसे कि मात्र 20 से 25 दिन में वो किस प्रकार से ककड़ी की खेती से उत्पादन ले रहे हैं। और मल्चिंग लगाने से और ड्रिप इरिगेशन से कम पानी लगता है जी जी, और ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। अच्छा, इसमें क्या है कि रोग भी कम आते हैं। अच्छा, रोग 19 तो क्या है कि इसकी बढ़वार हो जाती है। अच्छा अच्छा, उम्मीद क्या करता है, उम्मीद में ये जड़ विकास अच्छा हो जाता है। अच्छा, फिर एडवांस ऐसे है कि जो भी कोई जड़ गांठ वगैरह हो, कुछ भी हो, चुक्की ट्वीट हो, अच्छा वो नहीं लगता। किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल खेतरी तकनीक के माध्यम से हम आपको उन नवाचारी किसानों से मिलाते हैं जिन्होंने अपने नवाचारों एवं मेहनत पसीने के दम पर अपनी खेती को एक नई पहचान दी है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप भी उस खेती के बारे में पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर जाएं ताकि आपको उसके संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। आज हम आपको एक ऐसे ही नवाचारी युवा किसान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मात्र 20 से 25 दिन में ककड़ी का उत्पादन लेकर अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। हालांकि ककड़ी की खेती तो सभी करते हैं पर इस किसान का जो तरीका है, उसको मेंटेन करने का जो तरीका है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। तो आइए मिला देते हैं आपको नवाचारी युवा किसान मालीराम जी से और जानते हैं उनसे कि मात्र 20 से 25 दिन में वो किस प्रकार से ककड़ी की खेती से उत्पादन ले रहे हैं और किस प्रकार से ककड़ी के खेती की देखभाल कर रहे हैं और एक अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। आइए मालीराम जी। राम राम साहब। राम राम साहब। काफी दिनों से देख रहा हूँ ककड़ी की खेती कर रहे हैं। हाँ जी। लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको ककड़ी की खेती करते हुए? मैं कर रहा हूँ 5-6 साल से और मेरे पिताजी कर रहे हैं 5-6 साल से। 5-6 साल से? 10-11 साल हो गया हमारे परिवार को करते। अच्छा, 10-12 साल से आपका परिवार ककड़ी की खेती कर रहा है। तो एक चीज बताइए, जैसे लगभग पिछली बार जब आप ककड़ी की फसल लगा रहे थे, मैंने विजिट किया था, लगभग 25 से 27 अगस्त के आसपास आपने यहाँ पे सोइंग की थी। हाँ, और लगभग 20 से 25 दिन हुए हैं और आपकी ककड़ी है बढ़िया उत्पादन दे रही है। तो कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं कि इतने कम समय में आप इसका ककड़ी का इतना बेहतर उत्पादन ले रहे हैं? तरीका वही है, इसे टाइम पर गोबर डालना, टाइम पर संभालना, टाइम पर देखना, बस वही तरीका है जी। सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि जो किसान साथी ककड़ी की खेती करना चाह रहे हैं वो कौन से महीने में इसकी ककड़ी की फसल लगा सकते हैं? देख, 12 महीने में आप चार बार इसको 4 महीने में नहीं लगाए। कौन कौन से महीने में? दिसंबर और जनवरी में। अच्छा। और ये मई जून में, क्योंकि मई जून में धूप रहती है। अच्छा। और दिसंबर जनवरी में ठंड रहती है। बाकी के 12 महीने ककड़ी की खेती हो सकती है आराम से। किसान साथी जान दे, मालीराम जी का कहना है कि आपकी मई जून में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय अगर आप ककड़ी की फसल लगाएंगे तो डैमेज आने की संभावना रहेगी। उसी प्रकार से आपका जो दिसंबर और जनवरी है उसमें भी आप ककड़ी के बीज की सोइंग करने से बचे, क्योंकि उस समय पाला ज्यादा पड़ता है और जिन स्थानों पर पाला ज्यादा पड़ता है वहां इसके डैमेज आने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आपके यहाँ पाला कम पड़ रहा है तो आप दिसंबर जनवरी में भी इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छा, हमारे किसान साथी वो ये बताइए कि आप ककड़ी की जो खेती करते हैं जी, तो उससे पहले जमीन को तैयार करने के लिए कौन सी खाद दवाइयां डालते हैं, किस प्रकार से खेती को इसको खेत को तैयार करते हैं? देखो, इसमें क्या है कि हम तो पहले तो इसमें सड़ी गोबर डालते हैं 5 ट्रॉली कच्ची बीघे के हिसाब से। अच्छा अच्छा। और फिर बाद में जमीन को अच्छी तरह से ये पहले पिलाव लगा के जी, पटवास दे के जी, पाटा लगा के जी, और निगाह अच्छी तरह जुताई करके फिर कोई बीट वगैरह डाल के। अच्छा। और फिर बाद में हम इसमें 10 किलो DAP। अच्छा। और 2 किलो फ्यूराडोन। 2 किलो पर बीघा की फ्यूराडोन डालते हैं बेड बनाने से पहले? बेड बनाने से पहले डालते हैं ताकि बेड बनाते हैं तो वो इकट्ठी होकर बेड में आ जाती है, पौधों के अच्छे से काम में आ जाती है। अच्छा, ये बताइए, बेड डाल दिया, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है और आपने प्लास्टिक मल्च का भी उपयोग कर रखा है जहाँ तक देख पा रहे हैं, तो ये बताइए कि इससे कोई विशेष फायदा होने वाला है? देखो, इससे विशेष फायदा बहुत हमारे को बहुत कारगर साबित हुई है। ये क्या है कि मल्चिंग लगाने से और ड्रिप इरिगेशन से कम पानी लगता है जी जी, और ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। अच्छा, इसमें क्या है कि रोग भी कम आते हैं। अच्छा, रोग भी कम आते हैं। मल्चिंग लगाने से रोग भी कम आता है, मजदूरी कम, खरपतवार वगैरह कुछ भी नहीं होता जी, बस आराम से ककड़ी लगा दी, हम चला देते पानी चला देते जी, और फिर बिल्कुल कम पानी लगता है बिल्कुल। किसान साथी ध्यान दे, मालीराम जी का कहना है कि जब भी आप बेल वाली सब्जी के लिए, विशेष ककड़ी है, खीरा है, लौकी है या और कोई भी अगर फसल कर रहे हैं तो इनका कहना है कि ड्रिप और जो मल्च का उपयोग कर रहे हैं उससे न केवल पानी की बचत हो रही है बल्कि इसका प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, खरपतवार भी नहीं होती और एक रोग प्रबंधन में भी ये काफी सहायक है। तो ये बताइए, जो बेड की दूरी है ककड़ी के लिए कितनी रखते हैं आप? देखो, गर्मी में तो हम रखते हैं 4 फीट की।
गर्मियों में 4 फीट की दूरी रखते हैं बेड की, सर्दियों में रखते हैं 3 फीट की दूरी। क्यों, ये क्या कारण? गर्मियों में क्या है कि ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर जाती है जी जी, और जल्दी काकड़ी चल हो जाती है जी, और सर्दियों में क्या है ग्रोथ ज्यादा नहीं करती है, ये बस बेड के नीचे उतरती है। अच्छा, बाद में जैसे गर्मी स्टार्ट होती है वैसे धीरे धीरे ग्रोथ करती है। अच्छा, बेल कम बनती है, बेल कम बनती है, माल चालू हो जाता है। अच्छा, तो किसान साथी इस चीज का भी ध्यान रखे, अगर आप गर्मियों में ककड़ी की खेती कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी 4 फीट रख सकते हैं, और सर्दियों में इसकी दूरी कम रखे, क्योंकि सर्दी के कारण बेल लंबी नहीं पहुंचती और प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा दूरी ले लेंगे तो आपकी बेल ज्यादा नहीं बढ़ेगी और प्रोडक्शन आपको कम मिलेगा। अच्छा, बीज कितनी दूरी पर लगाते हैं आप पौधा? बीज देखो जिग-जैग में निकाल के लगाते हैं। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे, मालीराम जी ने जो मल्च है उसमें जिग-जैग सिस्टम से लगभग 1 फीट पे छेद कर रखे हैं, और हर छेद में आपको बीज लगाना है, हर छेद में बीज लगाना है। अच्छा, बीज लगाने के बाद इसकी सिंचाई करते हैं? सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद में जैसे गर्मियों में 4-5 दिन में तैयार उग जाती है। अच्छा, उगाना अंकुरित होके दाना बाहर निकल जाता है जी जी, और सर्दियों में 20-25 दिन लेती है, 20-25 दिन लेती है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आपका बीज उग गया, बीज उगने के बाद आप सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई में इसकी बढ़वार के लिए कुछ खाद दवाइयां या न्यूट्रिशंस वगैरह डालते हैं? देखो, बीज उगने के 15 दिन पहले तो हम कुछ भी नहीं डालते। अच्छा, बीज उग जाता है, बीज उग जाता है, उग जाता है, उगने के बाद में हम एक बार हल्की सिंचाई करते हैं जी जी, बिल्कुल हल्की सिंचाई करते हैं, ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, आधे आधे घंटे कोड चलाते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम जैसे 15 दिन की गर्मियों में 15 दिन की हो जाती है जी, उस समय ह्यूमिक और गुनीस डाल देते हैं। तो इसे ह्यूमिक जो आप खाद डाल रहे हैं जो 19-19 डाल रहे हैं, तो इससे कोई विशेष फायदा रहता है? इससे फायदा है, 19-19 तो क्या है कि इसकी बढ़वार हो जाती है। अच्छा अच्छा, पेड़ की बढ़वार हो जाती है, ग्रोथ हो जाता है बिल्कुल। और ह्यूमिक क्या करता है, ह्यूमिक में ये जड़ विकास हो जाता है। और आपने जो पहले फ्यूराडोन डाली थी वो किस काम में आएगी इसमें? वो फिर अडोने से है कि जो भी कोई जड़ गांठ वगैरह हो, कुछ भी हो, चुकी ट्वीट हो, अच्छा वो नहीं लगता, मतलब ग्रोथ जल्दी से हो जाती है। ग्रोथ जड़ स्वस्थ रहेगी तो पेड़ स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मालीराम जी का कहना है कि अगर आपकी फसल की जड़ स्वस्थ है तो पेड़ अपने आप ही स्वस्थ ग्रोथ करेगा। इसलिए आप ध्यान रखे भाई, जब भी बेल वाली फसल डाले या कोई भी सब्जी करे तो विशेषता आप फ्यूराडोन डालना नहीं भूले, क्योंकि फ्यूराडोन न केवल आपकी जड़गांठ को नियंत्रित करती है बल्कि जड़गांठ के साथ साथ अगर छोटे मोटे जो भी आपकी दीमक वगैरह है उसको भी नियंत्रित करती है, और जब उगान का समय होता है या बाद में भी वो पौधे के स्वस्थ विकास में बहुत लाभकारी होती है। अच्छा, कौन सी किस्म का बीज आप इसके लिए काम में ले रहे हैं ककड़ी के लिए? देखो, कंपनियां तो बहुत है लेकिन हम कंपनियों का बीज नहीं लेके आते। तो फिर कौन सा बीज काम में ले रहे हैं? देसी बीज लेते हैं, लेके आते हैं खुला बीज नारनोल से। अच्छा, नारनोल से लेके आते हैं, प्रसिद्ध बीज है ये, आगे किसान तैयार करते हैं खुद। अच्छा, किसान तैयार करते हैं तो देसी बीज है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है। प्रोडक्शन कैसा? प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है इसमें, बढ़िया है। तो एक चीज बताइए माधुराम जी, क्या भाव तो ये बीज पड़ जाता है अगर हमारे किसान साथी लेना चाहे तो? किसान साथी लेना चाहे 3000 रुपए केजी मिल जाता है, 3000 रुपए किलो के लगभग मिल जाता है। अच्छा, 1 बीघा जैसे अपने कच्ची जमीन है तो इसमें लगभग कितना बीज लग जाएगा? 1 बीघा कच्ची में 100 ग्राम कच्ची बीघा के हिसाब से लगेगा। अच्छा, 100 ग्राम के लगभग कच्ची बीघा के हिसाब से आपका बीज लग जाएगा। प्रोडक्शन की क्या स्थिति है आपका, जैसे 1 बीघा कच्ची के लगभग ये है तो इसमें लगभग कितना प्रोडक्शन बैठ जाता है? देखो, 1 बीघा कच्ची में अगर बढ़िया अगर तैयार किसान जागरूक होगा तो 60 से 70 क्विंटल आराम से, 60 से 70 क्विंटल तक का प्रोडक्शन मिल जाता है। और इसके भाव मंडी में इसके भाव 10 रुपए से नीचे नहीं रहता तो लगभग अपने एवरेज 10 से 15 रुपए किलो इसको मान सकते हैं। 10 से 15 रुपए, तो 1 बीघा कच्ची में आपके हिसाब से किसान साथी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कच्ची बीघा के हिसाब से ककड़ी का उत्पादन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको मालीराम जी के अनुभव और हमारे प्रयास पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य किसान साथी जो बेल वाली फसलें या ककड़ी की खेती करना चाह रहे हैं उनको इसके संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मालीराम जी के कहे अनुसार आपको विभिन्न प्रकार की फसलों में रोग नियंत्रण से संबंधित दवाइयों, खाद और उसमें किस तरीके से उनको नियंत्रित करना है इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नवाचारी युवा किसान के अनुभवों को लेकर जो आपकी खेतीबाड़ी को और आपके जो खेती करने के तरीके हैं उनमें कुछ नवाचार देगा। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।